तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। साल 1985 में जब WWE द्वारा रेसलमानिया का पहली बार आयोजन किया गया था तो तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों कि यह PPV कुछ सालों बाद मशहूर रेसलिंग इवेंट बन जाएगा। इस साल रेसलमानिया 37 हो रहा है और रेसलमानिया का जिक्र जब भी आता है तो नाम आ जाता है अंडरटेकर का, नाम ऐसा जो मौत की याद दिला दे। बात उस रेसलर की जिसे मौत का सौदागर कहा गया। उसी डेडमैन के कुछ ऐसे रेसलमानिया रिकॉर्ड्स भी हैं दोस्तों जो शायद ही कभी टूटे हैं। ये रिकॉर्ड शायद अब अंडरटेकर के नाम ही रहेंगे। कौन से हैं यह रिकॉर्ड, चलिए जानते हैं इस खास अंक में। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूं आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं अंडरटेकर के रिकॉर्ड्स के बारे में। नंबर एक, द स्ट्रीक अंडरटेकर के उस दौर को कहा जाता है दोस्तों जब अंडरटेकर ने रेसलमानिया 7 से लेकर रेसलमानिया 29 तक अनडिफीटेड रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने लगातार 21 रेसलमानिया मैच जीतकर इतिहास रच दिया। 1991 और साल 2013 के बीच दो रेसलमानिया ऐसे भी आए दोस्तों जिसमें अंडरटेकर ने भाग नहीं लिया। यह दो रेसलमानिया थे, रेसलमानिया 10 और रेसलमानिया 16। अंडरटेकर की यह स्ट्रीक बहुत बड़ी है, शायद ही यह कभी टूटे। नंबर दो, सबसे अधिक रेसलमानिया जीतने का रिकॉर्ड, 25 रेसलमानिया जीत। डेडमैन का रेसलमानिया का सफर 1991 में शुरू हुआ था, तब से उन्होंने रेसलिंग कैरियर में अभी तक लड़े 27 रेसलमानिया मैचों में 25 में जीत दर्ज की हुई है, सिर्फ दो में ही वह हारे हैं। पहली हार रेसलमानिया 30 में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मिली थी और दूसरी हार रेसलमानिया 33 में रोमन रेंस के खिलाफ अंडरटेकर को मिली। और डेडमैन ने कुल 25 रेसलमानिया मैच जीते हैं दोस्तों। इस लिस्ट में दूसरा स्थान जॉन सीना का आता है जिन्होंने 10 रेसलमानिया जीते हुए हैं। जॉन सीना तो अब खुद रिटायरमेंट के काफी करीब हैं, ऐसे में वह भी अंडरटेकर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते हैं। हमें लगता है कि यह रिकॉर्ड हमेशा डेडमैन के नाम ही रहेगा। नंबर तीन, सबसे अधिक रेसलमानिया मैच लड़ने का रिकॉर्ड, 27 रेसलमानिया मैच। अंडरटेकर का रेसलमानिया सफर 1991 में शुरू हुआ था दोस्तों और रेसलमानिया 7 से ही अंडरटेकर रेसलमानिया लड़ने लग गए थे। पहले मैच में उन्होंने दिग्गज सुपरस्टार जिम्मी स्नुका को कूट डाला था और हरा दिया था। रेसलमानिया 17 से लेकर रेसलमानिया 34 तक ऐसा कोई भी रेसलमानिया नहीं रहा था दोस्तों जिसमें अंडरटेकर को नहीं रखा गया था। रेसलमानिया 35 में टेकर को नहीं रखा गया था, फिर रेसलमानिया 36 में भी उन्हें रख दिया था। पिछले साल रेसलमानिया 36 में लड़ा गया उनका मैच 27वां मैच था। इतने रेसलमानिया शायद ही कंपनी वाले किसी अन्य रेसलर को अब लड़वाएं। यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। इस रिकॉर्ड वाली लिस्ट में दूसरे स्थान पर ट्रिपल एच आते हैं दोस्तों जिन्होंने अपने कैरियर में 23 रेसलमानिया मैच लड़े हैं, वह भी शायद इस रिकॉर्ड को कभी तोड़ पाए। तो ये थे दोस्तों मौत के सौदागर डेडमैन अंडरटेकर के ऐसे रेसलमानिया रिकॉर्ड जो हमेशा शायद अब उनके ही नाम रहेंगे। वैसे आप लोगों की नजर में क्या WWE में कोई ऐसा सुपरस्टार भी है जो कभी अंडरटेकर के इन रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।